दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अपने सभी चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो मिथिला विश्वविद्यालय के बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन और पार्ट थ्री के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट को लेकर के क्या क्या मामलाएं यूनिवर्सिटी में चल रही है या डेटा सेंटर के विभाग के और यूनिवर्सिटी के बीच जो मामला है वो कोर्ट में चल रही है, वो चीज मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताते ही रहता हूँ और जो अपडेट होता है मैं खुद से भी बताता हूँ और जो रिकॉर्डिंग रहता है जो यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब है, रजिस्ट्रार साहब है या एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब है वो जो बोलते हैं वो चीज मैं आप लोगों को तो लाइव दिखाई देता हूँ कि ये बोल रहा है ऐसी चीज, तो हम आप लोगों को क्यों नहीं बताए कि ये चीज ऐसा है। ठीक है, तो देखिए अब रिजल्ट को लेकर के पहले मैं डिग्री पार्ट थ्री के छात्र छात्राओं के रिजल्ट को लेकर के बता दे रहा हूँ कि देखिए आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग तो बता दिखाई दिए थे कि उनमें बताया जा रहा है कि 30 तारीख तक छात्र छात्राओं की रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है, आप लोग सुन भी लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अब देखिए आज की जो जो यूनिवर्सिटी और डेटा विभाग के बीच जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर के हाई कोर्ट में फैसला था, जी दोस्तों हाई कोर्ट में फैसला था लेकिन फैसला क्लियर नहीं हो पाया है और इस फैसले को टाल दिया गया है। दोस्तों टाल दिया गया है और बहुत दिनों के लिए टाला गया है, ऐसा नहीं कि दो दिन चार दिन के लिए टाला गया है, बहुत दिनों के लिए टाला गया है। आज जो 22 दिसंबर को जो फैसला होना था वो नहीं हो पाया कोर्ट में, तो इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि क्या यूनिवर्सिटी डिग्री पार्ट थ्री वाले छात्र छात्राओं के रिजल्ट 30 तारीख तक जारी कर देगा, तो संभावना तो अब कम लग रही है क्योंकि कोर्ट जो है अपनी डेट को बढ़ा दी है और अगली निर्णय जो है कोर्ट में यूनिवर्सिटी और डेटा विभाग के बीच जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर के 12 जनवरी 2022 को होंगे, जिसमें तो 12 जनवरी 2022 को होंगे। तो इस हिसाब से तो आप लोग यह स्पष्ट कर लीजिए कि अगर यूनिवर्सिटी आपसे समझौता नहीं करते है ना तो छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी होना जनवरी महीने में भी असंभव लग रहा है। जी दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी और डेटा विभाग के बीच आपसी सहमति नहीं होगी तब ये रिजल्ट जो है ना जारी नहीं हो पाएगा, जैसा जो वीसी चांसलर वीसी साहब बोल रहे हैं या रजिस्ट्रार साहब बोल रहे हैं या एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब बोल रहे हैं, तो इससे आप लोग स्पष्ट ये सुन लीजिए कि इतने तारीख तक रिजल्ट नहीं जारी होगा अगर वो आपसी सहमति नहीं करता है तो। ठीक है, अगर आपसी सहमति कर लेता है, अगर एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी है उनको अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ दिख रहा होगा तो वो जरूर आपसे समझौता करेंगे, और नहीं अगर दिख रहा होगा ना और वो जैसे उनके बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं तो छात्रों को अगर डुबाना चाह रहा होगा तब 30 तारीख तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। जिस तो नहीं होगा तो देखिए आप लोगों को थक हार करके बैठना नहीं है, अब जो है जोरदार प्रदर्शन होगा अगर रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है तो। ठीक है, और यह मत समझिएगा कि अब रिजल्ट नहीं आएगा तो हम बैठ जाते हैं, तो भाई बैठिएगा तो और सो जाएगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी को इससे कोई लेना देना नहीं, उनके पदाधिकारी है ना उनको भी लेना देना नहीं रहता है क्योंकि उनके बाल बच्चे तो इसमें पढ़ते नहीं है। ठीक है, और ये भारत में तो पढ़ते नहीं होंगे, ये तो जरूर है कि भारत में नहीं पढ़ते, और पढ़ते भी होंगे तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे उनके बच्चे, तो यहाँ पे तो नॉर्मल जितने भी मध्यम कैटेगोरी के या निम्न कैटेगोरी के छात्र छात्राएं रहते हैं वही पढ़ते हैं, तो आप लोगों को छक हार करके बैठना नहीं है। जिस प्रकार से मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी वीसी थे, रजिस्ट्रार थे या जो भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब थे उनको मतलब हिरासत में ले लिया गया है ना, उसी प्रकार से अब इनको भी हिरासत में लेने की काम हम लोगों का है, तो इसके लिए पहले ये देख लेंगे कि 30 तारीख तक डिग्री पार्ट थ्री के छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी होता है या नहीं होता है। पार्ट वन वाले छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जब तक डिग्री पार्ट थ्री के छात्र छात्राओं का मामला नहीं सुलझता है तब तक आप लोगों के रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे मैं अपने मन से नहीं कह दूंगा और आप लोग यह समझ करके रहिए पार्ट वन वाले छात्र छात्राएं कि हम लोगों के रिजल्ट जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है अगर मामला सुलझ जाता है तब, अगर नहीं सुलझेगा तो मतलब समय लग सकता है। तो दोस्तों आप लोग आसान से समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताने के लिए आया था कि आज के दिन यूनिवर्सिटी और डेटा विभाग के बीच जो केस चल रही है हाई कोर्ट में वो फैसला क्लियर नहीं हो पाया है और हाई कोर्ट के तरफ से अगला आदेश जो कि 12 जनवरी 2022 है वो डेट दे दिया गया है, तो 12 जनवरी 2022 तक कौन छात्र छात्रा इंतजार करेंगे, हम लोगों को चाहिए 30 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाए क्योंकि एग्जामिनेशन कंट्रोलर वीसी या रजिस्ट्रार साहब सब यही चीज बोले हैं, तो देखते हैं कि ये चीज वो लोग बोलते हैं तो सही होता है। वैसे तो हमें कम ही चांस लग रहा है, अब जब कोर्ट में फैसला बढ़ गया है तो कम चांस लग रहा है, बाकी देखते हैं, आप लोगों को हत्था कार करके बैठना नहीं है। ठीक है, ये ना समझिएगा 30 तारीख तक जारी होगा ही रिजल्ट, लेकिन थक हार करके बैठना नहीं है, अब इससे भी बड़ा आंदोलन करना है, अब तोड़ फोड़ की शुरुआत ही होगा। ठीक है।